हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ विमेंस में। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हम कि आपके पीरियड्स का टाइम नज़दीक आ रहा है तो आपको कितने दिन पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखेंगे, पीरियड्स मिस होने से पहले या फिर पीरियड्स मिस होने के बाद एग्जैक्टली कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखने लगेंगे, या फिर आपने रिलेशन बनाया है अभी प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, कब आपको पता चलेगा, क्या क्या वो लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा, सारी बातें आज के इस खास वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है जो कोई भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पीरियड्स मिस होने के कम से कम 4 से 5 दिन पहले, कुछ लोगों को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और वहीं पर कुछ लोगों को पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं। जैसा कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस बता चुकी हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, कोई भी 2 प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, पीरियड साइकिल सबकी अलग अलग होती है, बॉडी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स आते हैं वही वो किसी को 1 हफ्ते पहले ही दिखने लगते हैं, किसी को 4 दिन पहले दिखते हैं, किसी को पीरियड डेट पे दिखते हैं, और वहीं किसी को पीरियड्स मिस होने के बाद भी दिखते हैं। तो ये सबके बॉडी में अलग अलग तरह से होता है। अगर आपने रिलेशन बनाया है प्रेग्नेंट होने के लिए तो आपको कब तक प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखेंगे? कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम, हमने अपने ओवुलेशन टाइम पर रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के 3-4 दिन बाद ही मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पेट में अजीब सा लग रहा है, तो क्या हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है? तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको भी रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पूरी तरह से हम आपको बात समझा नहीं पाते हैं। अगर आपने ओवुलेशन टाइम पे अपने रिलेशन बनाया है, अगर आपको पता है कि आपका ये ओवुलेशन टाइम है और सेम डे आपने रिलेशन बनाया जिस दिन एग रिलीज हुआ है, तो रिलेशन बनाने के बाद ओवुलेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन के बीच तक का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जब आप रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म वजाइना के थ्रू एग तक पहुंचता है, जो कि पहले से फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ कर देता है तो वो फर्टिलाइज्ड एग ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्रेवल करके बस यूट्रस में गया और तुरंत चिपक गया और 2 दिन बाद से ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगे, ऐसा नहीं होता है। जब वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी उस एग में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। वो 1 एग 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद वो एक जायगोट का रूप बनता है, वो जायगोट में और ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वो एम्ब्रियो बनता है। जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तब वो जा करके ट्रैवल करके यूट्रस के जो चारों तरफ लाइनिंग तैयार होती है हर महीने हर औरत के शरीर में, उस लाइनिंग में जा करके चिपकता है, वहीं से उसका पोषण और नरिशमेंट बेबी को मिलता है। बट जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ये लाइनिंग टूट के पीरियड्स के साथ ब्लड के साथ क्लॉट्स के और म्यूकस के रूप में एग और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पीरियड्स के साथ बाहर आ जाती है। तो जब वो जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है तब वो आपके यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जब आप TVS कराने जाते हैं, जैसे आपके पीरियड्स मिस हो गए, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है कि पीरियड्स मिस हो गए हैं, टेस्ट भी निगेटिव आ रहा है या फिर टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया आपका, आप TVS कराने जाते हैं, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का कोई मतलब नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं दिखता है। तो जब आप TVS कराने जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो उसमें सैक दिखता है, क्योंकि इतना छोटा सा एम्ब्रियो नहीं उसमें आता है। वो धीरे धीरे जब 1 और 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी की ग्रोथ और हो जाती है तब उसमें दिखाई देने लगता है एम्ब्रियो भी। तो अगर आपने बहुत जल्दी TVS करा लिया है, 4th-5th हफ्ते में ही आपने TVS करा लिया है, तो उसमें सिर्फ सैक दिखता है, लेकिन जहाँ 1-2 हफ्ते और आते हैं तो वहाँ बेबी भी एम्ब्रियो दिखने लगता है और उसमें हार्ट बीट भी आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है शुरुआत में। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपने रिलेशन बनाया और ठीक 2 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, ये होता है कि अंदर प्रोसेस चल रहा है लेकिन प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव हो गई है, ये पता चलेगा आपको पीरियड्स आने के जस्ट कुछ दिन पहले ही,
इतनी जल्दी नहीं आप इंश्योर कर सकते। बहुत सारे लोग हैं कि उनको रिलेशन बनाने के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सबकी बॉडी में रिलेशन बनाने के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो जो बदलाव आपको दिखते हैं हो सकता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हों, लेकिन एग्जैक्टली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आई होप कि उन लोगों का रिप्लाई मिल गया हो जो अक्सर ये कॉमेंट्स करते हैं। अब अगर आपको पीरियड्स मिस हो गए हैं और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आएंगे, तो वो प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम्स हो सकता है कि आपको हार्ट का पेट में क्रैम्प्स हो, पीरियड्स जैसा मरोड़ भी जिसे कहते हैं, और बहुत हल्की माइनर सी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर स्पॉटिंग ही हो सकती है, या फिर थोड़े बहुत थ्रेड जैसे क्लॉट्स आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जिसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, वो भी सबको नहीं होती, सिर्फ 30% वीमेंस को ही होती है। इसके अलावा पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को फीवर भी आता है प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है, उनकी कमर में भी दर्द होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है जिसे नौजिया कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कमजोरी लगती है उनको, भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती, और चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये वो खास सिम्टम्स हैं जो कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उस दौरान आते हैं। तो अगर आपके भी पीरियड्स मिस होने वाले हैं या फिर मिस हो गए हैं, तो आपको इनमें से कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर दिखेंगे, या तो सारे सिम्टम्स दिखेंगे या फिर 2-4 सिम्टम्स ही दिखेंगे। मुझे मेरे पीरियड्स मिस होने के, जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तो 4 दिन पहले ये सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, जिससे कि मुझे आइडिया लग गया था कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, क्योंकि जैसा हो रहा था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और बाकी सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, नौजिया, खाने पीने की चीज़ों से स्मेल आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, ये सारी चीज़ें कभी होती नहीं थी ना कभी हुई थी, तो इसलिए मुझे आइडिया लगी, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी कर रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो, उसके 5 से 6 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तभी रिजल्ट सही आता है, वो भी सुबह के पहले यूरिन से। तो ये थी वो खास जानकारी, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड